What is up guys, I'm Nihar, welcome to my channel. So guys, today I'm back with a new video and a new topic. So guys, आज की टॉपिक है वो बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन के थ्रू ही बहुत ही ईजी स्टेप में अपने चैनल का एक प्रोफेशनल लोगो बना सकते हो. सो गाइज, एक चैनल का प्रोफेशनल लोगो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया आपके चैनल को एक शो करता है. सो गाइज देखो, जब भी कोई व्यूवर हमारे वीडियो को वॉच करता है और जब हमारा वीडियो उनके सजेशन में जाता है या फिर उनके नोटिफिकेशन के पास जाता है, तो यार वो ऑटोमेटिक हमारे वीडियो को लोगो देख ही समझ जाते हैं कि ये उस यूट्यूबर का ही वीडियो है. सो गाइज, एक अच्छा लोगो आपके चैनल को काफ़ी अच्छा ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. सो गाइज, आज मैं बताने वाला हूँ कैसे आप इजी स्टेप में अपने फ़ोन के थ्रू ही इस प्रोफेशनल लोगो बना सकते हो. सो गाइज, आपको अपने फ़ोन में सिर्फ और सिर्फ एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर रखना है, आप चाहे कोई भी रख सकते हो. तो मैं Pixellab के थ्रू ही आपको बना के दिखाऊंगा कैसे आप बहुत ही ईजी वे बना सकते हो. और गाइज, रिसेंटली मैंने Pixellab पे ही आपको बनाना सिखाया है कैसे आप अपने वीडियो के लिए थंबनेल बना सकते हो और गाइज अपने चैनल का बैनर आर्ट बना सकते हो. सो गाइज, मैंने Pixellab पे ही आपको बना के दिखाया. सो गाइज, अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा. सो गाइज, जाकर देख लेना. सो गाइज, वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, बट वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. और गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर अपने चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन जाके ऑल कर लेना और गाइज इस वीडियो को लाइक भी कर देना. सो गाइज, अब मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो स्क्रीन पे कैसे आपको बनाना है. सो वीडियो स्क्रीन पे चलते हैं. तो गाइज, सबसे पहले आपको Pixellab ओपन करना है. तो आप देख सकते हो, Pixellab ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आता है. तो आपको न्यू टेक्स्ट पे सिंपल क्लिक करना है और इसको डिलीट कर देना है. और गाइज, ऊपर यहाँ पे तीन डॉट बने हुए हैं, उस पर क्लिक करना है आपको. और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज साइज़ का यहाँ पे ऑप्शन है, उस पर सिंपल बस क्लिक करना है. और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आ गया प्रीसेट कस्टम का, आपको क्लिक करना है. आप देख सकते हो यहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे ऑप्शन है. तो गाइज़, आप इसी ऐप से अपने चैनल का बैनर या फिर थंबनेल बना सकते हो बहुत ही ईजी वे में. मैंने उस पर वीडियो बना रखा है. और तो हम लोग को यहाँ पे स्क्वायर पे क्लिक करना है और उसको ओके कर देना गाइज. अब गाइज़ क्या करना है कि अब हम लोग को ये जो बैकग्राउंड जो है इसके कलर को हम लोग को चेंज करना है. तो गाइज, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और इस कलर पर मैं क्लिक करता हूँ. अब गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पर हैं, कलर एंड ग्रेडियंट के. तो आप इनमें से दो कोई भी ले सकते हो. तो मैं कलर प्रेफर करता हूँ और मुझे डीप कलर का ही पसंद है, तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर लेता हूँ क्योंकि मैं ब्लैक एंड वाइट में ही ये लोगो बनाने वाला हूँ जो कमाल का होने वाला है. और इसको ओके कर देते हैं. अब गाइज, हम लोग को इस बैकग्राउंड पे हम लोग को टेक्स्ट लगाना है. तो हम लोग ए पे जाएंगे और टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. तो गाइज, मैं बता दूँ कि बहुत लोग अपने चैनल के लोगों के लिए अपने चैनल का फर्स्ट लेटर लिख के उससे लोगो बनाते हैं, और बहुत लोग ये करते हैं कि वो उस पर पूरा का पूरा उस पर नेम लिख के करते हैं. तो मैं इस पर एडिट पर क्लिक करता हूँ. तो मैं फुल नेम ही प्रेफर करता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ निहार. इसको ओके मैंने कर दिया. और इसके बाद इस पर इसकी साइज़ को मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ जितना आपको सही लगे. तो मैं कुछ इतना ले लेता हूँ. और अगर इसके बाद फिर मैं इसको हल्का सा बस मैं टिल्ट कर दूँगा. तो आप देख सकते हो कि अभी ये कुछ इस टाइप से देखने को लग रहा है. और इसको फिर मैं ओके कर देता हूँ. और गाइस, फिर उसके बाद इस पर मैं फॉन्ट लगाने का काम करता हूँ. तो फॉन्ट पे क्लिक करना है हम लोग को. अब गाइस देख सकते हो यहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे फॉन्ट्स हैं, ढेर सारे यहाँ पे फॉन्ट्स हैं. तो आपको जो भी फॉन्ट इसमें से लेना है आप ले सकते हो. बेसिकली आप ट्राई करना है कि इस पर बोल्ड स्टाइल का या फिर डार्क जो हो वही लेना. तो मैं रिसेंटली मैंने यहाँ पर कुछ फॉन्ट्स मैंने यूज़ कर रखे हैं. तो आप देख सकते हो कि अगर मैं डिस्टेंस लेता हूँ तो कुछ इस टाइप को देखने लगेगा कुछ इस टाइप से. तो गाइज़, मैं ये पहला वाला जो डेज़ है मैं इस पर क्लिक करता हूँ, या फिर अमरनाथ जो बोल्ड लिखा है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, उसको ओके कर देता हूँ. सो गाइज़, अब ये आप देख सकते हो कुछ इस टाइप को देखने को गया. अब गाइज़, इसमें क्या करना है, हम लोगों को इस लिखे हुए टेक्स्ट पे हम लोग को स्ट्रोक लगानी पड़ेगी जो दिखने में और उसको अट्रैक्टिव बना देगा. तो जैसे इसको हम लोग इनेबल करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कलर एंड ग्रेडियंट को फिर से ऑप्शन आ जाते हैं. तो आप अगर वाइट कलर लगाते हो या फिर कुछ इस टाइप से तो आपको ये देखने को लगते हैं, या ग्रेडियंट लगाते हो तो कुछ ऐसा देखने को लगते हैं. गाइज़, आप यहाँ पर इसके स्ट्रोक के विड्थ को आप बढ़ा भी सकते हो, कम ज़्यादा भी कर सकते हो. तो जो आपको सही लगे आप उस हिसाब से करना. तो मैं इस कलर वाइट कलर पे वाइट कलर का ही मैं लगाता हूँ स्ट्रोक और उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ. तो गाइज, ये हो गया कुछ इस तरह से देखने में, आप देख सकते हो. और फिर इसको ओके कर देता हूँ. अब गाइज, फिर से मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और मेरे चैनल का जो लास्ट नेम है, मेरे जो जो टाइटल है मेरा, मैं उसे लिख लेता हूँ चक्रवर्ती. तो गाइज, ये हो गया. और इसको भी हल्का सा गाइज मैं टिल्ट करूँगा और इसकी भी साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर लूँगा. तो गाइज, जितना आपको सही लगे आप उस हिसाब से इसको प्रेफर करना. तो मैं कुछ इतना इसके साइज़ को मैं इसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ और फिर इसको ओके कर लेता हूँ. गाइज, इसमें भी अब हम लोग फॉन्ट लगाएंगे. तो फॉन्ट पर क्लिक करना है. तो आप, मैंने बताया रखा है यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स हैं. तो मैं रिसेंटली मैंने यहाँ पर ये फॉन्ट रखा है, आप देखो सबसे नीचे यहाँ पर शॉर्टकट लिखा हुआ ये फॉन्ट है. तो इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस टाइप का देखने में लगता है जो काफ़ी कूल देखने में लगता है गाइज. और गाइज, उसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करके रखे रहेंगे यहाँ पर भी हम लोग को स्ट्रोक को इनेबल कर देना है.
और ये देख सकते हो, अब ये देखने में अच्छा लग रहा है। और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो सर, ये देखो गाइस, ये देख सकते हैं आप, देखने में कितना अच्छा और कितना कूल लग रहा है। क्योंकि देखिए, आपका लोगो थोड़ा सा फंकी होना चाहिए और थोड़ा सा क्लासी होना चाहिए, तो वो देखने में और अच्छा लगता है। अब गाइस ये हो गया कुछ इस टाइप से, तो फॉन्ट तो मैंने लगा दिया, अब मैं इस पर स्टाइल लगा के देखता हूँ। स्टाइल लगाने से क्या होता है कि आप बोल्ड कर दोगे तो ये कुछ इस टाइप का देखने में लगेगा गाइस। तो ये हो गया गाइस, और ये देखने में कुछ इस टाइप का हो गया। अब गाइस हम लोगों को इस पर कुछ एरोज वगैरह लगा सकते हैं जो देखने में और अच्छा लगेगा। तो गाइस मैं ये जो एरो है, मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। अब गाइस देख सकते हो कि एरो का जो बिगिन साइज है, वो इसका जो फ्रंट साइड है वो आपको कुछ इस टाइप का देखने में मिल रहा है, और इसके एंड को भी मैं सेम उस तरह से कर देता हूँ। तो ये हो गया गाइस। अब इस पर आप क्लिक करके रखे रहना है आपको, और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ये कलर का, इसको इनेबल कर देना। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर को प्रेफर करता हूँ। तो मैंने ये वाली कलर ले ली जो इसके बैकग्राउंड से और इसके साथ मैच कर रहा है, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, तो इसको मैंने ओके कर दिया। अगर सेम गाइस इसी पे क्लिक करके आपको कॉपी भी कर लेना है, तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिलता है, तो मैंने इसको कॉपी करके ये इसको यहाँ पे लगा दिया। बट अब जो इस पे जो कलर मैं लगाऊंगा, मैंने पहला वाला ये कलर लगाया था, अब मुझे ये वाला कलर लगाना है। अब आप देख सकते हो कि ये कुछ इस टाइप का देखने में लग रहा है गाइस। तो गाइस ये हो गया एक बहुत ही सिंपल वे में, ये हमारा एक लोगो बन गया, और जो काफ़ी अच्छा लोगो बन गया। गाइज बेसिकली मैं बता दूं कि मेरा जो लोगो है, मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ अनबॉक्स थेरेपी से, मैं उनके ही लोगो से मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, और मैंने अपना लोगो भी कुछ उसी तरीके से बनाने की कोशिश की है, बट उस तरीके से बन तो पाया नहीं, बट मैंने पूरा ट्राई किया। तो गाइज़ ये है वो लोगो बनाने का तरीका। गाइज़ अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, एंड गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो गाइज टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।